Sixth student, today we will start English grammar. Lesson 1, kinds of sentences. So before starting the kinds of sentences, let me know about what is a sentence. Sentence kya hota hai? A group of words arranged correctly to express complete sense is called a sentence. It means जब ग्रुप्स को जब वर्ड्स को एक ग्रुप में अरेंज किया जाता है, इन करेक्ट ऑर्डर में अरेंज उनको किया जाता है, जिसका कोई कंप्लीट सेंस होता है, दैट इज नोन एज सेंटेंसेस. ओके, फॉर एग्जाम्पल, मदुरई इज़ अ सिटी ऑफ टेम्पल्स. आई एंजॉय प्लेइंग विद माई टॉ. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंस. वी हैव फोर मेन काइंड ऑफ सेंटेंसेज. फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव, सेकेंड इंटेरोगेटिव, थर्ड एक्सक्लेमेटरी एंड फोर्थ इज इम्पेरेटिव. दीज फोर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेज. लेट मी नो वॉट इज डिक्लेरेटिव. दीज सेंटेंसेज डिक्लेयर समथिंग. दे आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेज. दे एंड विद अ फुल स्टॉप. ओके, ये वो सेंटेंसेज होते हैं जो कुछ डिक्लेयर करते हैं या फिर दैट टेल्स समथिंग, जो हमें कुछ बताते हैं, जिसमें कुछ स्टेटमेंट होता है. दे ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप. इनके लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप होता है. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज आर डिवाइडेड इंटू टू सेंटेंसेज. फर्स्ट इज एफर्मेटिव, सेकेंड इज नेगेटिव. एफर्मेटिव वो सेंटेंसेज होते हैं जिसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होता, जो कि सिंपल स्टेटमेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर स्विमिंग. नेगेटिव सेंटेंसेज वो सेंटेंसेज होते हैं जिसमें कोई नेगेटिव स्टेटमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, एवरी वन शुड नॉट रश टू द डोर. दीज टू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, दीज सेंटेंसेज आस्क क्वेश्चंस, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन पुटअप होता है. दे आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज. दे एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. इनके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है. फॉर एग्जाम्पल, वेयर हैव यू बीन ऑल डे. विच वन इज योर पैन. इजंट इट वॉर्म टूडे. ओके, इनके एंड में हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं. थर्ड इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेज. इम्पेरेटिव सेंटेंसेज वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई कमांड दी जाती है, कोई एडवाइस होती है या कोई रिक्वेस्ट की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ पास मी द कॉफ़ी. यहाँ रिक्वेस्ट की गई है. चेक द लॉक्स बिफोर यू लीव द हाउस. ओके, इट इज़ एडवाइस. डोंट गो आउट, इट इज़ अ कमांड. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेज. लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज वो सेंटेंसेज होते हैं जिसमें कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं. These sentences express strong emotions. They are called exclamatory sentences. They always end with the exclamation mark. Look here. These are the exclamation mark and these are the examples. Oh, such beautiful flower. That sleek cat. These are the examples of exclamatory sentences. और इनके end में हमने exclamation mark use किया है.